Determine the ratio in which the line 2x plus y minus 4 equal to 0 divides the line segment joining the points this and this. तो अपने पास यहां पर दिया गया है कि एक लाइन सेगमेंट है AB और इसके पॉइंट भी गिवन है 2, -2 and 3, 7. अब कह रहा है कि एक लाइन है ना, एक लाइन है जो इसको डिवाइड कर रहा है. तो सपोज करो कि ये लाइन हो, ये इसको डिवाइड कर रहा है AB को. किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है यही बताना है. सो यहाँ पर k:1 ले लेंगे रेशियो, जिस रेशियो में ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा. और इस लाइन का इक्वेशन गिवन है, कितना है 2x + y - 4 = 0. ओके, तो देखिए लाइन सेगमेंट यानी सेक्शन फॉर्मूला जो है उसी से ये लगेगा. सेक्शन फॉर्मूले से ये हम सपोज कर लेंगे कि ये पॉइंट P है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन को. ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये P पॉइंट अपना निकालेंगे. और P पॉइंट जो आएगा वो कुछ X और Y के फॉर्म में आएगा. अब ये एक्स वाई इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वैल्यू डिलीवर होगी. ओके, तो चलिए निकालते हैं इसे. सेक्शन फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, m x2 + n x1 / m + n, my2 + n y1 / m + n. m और n क्या है, तो m ये है, n ये है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2. ठीक है, चलिए निकालते हैं अपना पॉइंट. सो P पॉइंट जो होगा वो x, y, यही हमारा डिलीवर होगा इधर राइट साइड में. इसमें ये वैल्यू पुट करने पे जो मैंने अभी मेंशन की है, तो अभी m x2, तो m क्या है k और x2 क्या है 3, तो 3k प्लस n x1, तो n क्या है 1 और x1 क्या है तो 2, तो 2 अपॉन k+1. ठीक है, k+1. अब अगला, तो अगला में भी my2, तो ky2 यानी 7k प्लस 1 2 2, तो -2 क्योंकि y1 -2 है. ओके, अब देखिए ये जो वैल्यू आई इसका हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल्स लगे हुए हैं, तो ऐसे ही हम छोड़ देंगे इसे. और इधर हो जाएगा 7k - 2 / k+1. ओके, और ये है क्या, तो ये p x, y यानी x ये है, y ये है, तो ये अपना पॉइंट निकल आया, ये पॉइंट P. ठीक है, this = this, ये मैंने लिखा हुआ है, समझ में आया. अब इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में. ओके, सो दिस पुट इन दिस इक्वेशंस किस में, तो 2x + y - 4 = 0 में. तो 2 × x की जगह ये, क्योंकि यही x है, तो 3k + 2 / k+1 यही होगा, प्लस y, तो y ये है, तो ये हो जाएगा 7k - 2 / k+1. और इस माइनस 4 को आप राइट साइड भेज दीजिए तो ये 4 हो जाएगा. अब 2 से आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम, तो एलसीएम आप देखें k+1 सेम है, तो इसे हम एक बार लिख लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होता है, तो न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं या सबट्रैक्ट जो भी साइन होता है बीच में, तो यहाँ ऐड करेंगे. पहले 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि 2 बाहर है इस ब्रैकेट्स के, तो 2 × 3 = 6k, 2 × 2 = 4,
हो गया मल्टीप्लाई, लिख भी दिया प्लस। अब इसको 7k माइनस 2 इक्वल टू 4, ये हुआ। अब 7k प्लस 6k तो कितना हुआ, 7k प्लस 6k 13k, और ये 4 माइनस 2 तो ये प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 4। अब k प्लस 1 को हम इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 13k प्लस 2 इक्वल टू 4k प्लस 4 वंजा 4। अब देखिए 4k को हम इधर लाएंगे 13k के पास, तो 13k माइनस 4k इक्वल टू 4 माइनस 2 उधर गया तो माइनस 2। इतना समझ में आया। अब 13 में से 4 गया तो कितना, 13 माइनस 4 तो 9k, और इधर 4 माइनस 2 इज 2 तो k इक्वल टू 2 अपॉन 9 आ गया। ओके, k के नीचे आप 1 लगा सकते हैं, हर एक नंबर के नीचे आप 1 लिख सकते हैं तो आप लिख लीजिए, और k इज टू 1, 2 इज टू 9 आपको दिखेगा इधर। सो k इज टू 1 जो रिक्वायर्ड था वो आ गया है 2 इज टू 9 में, नोट डाउन।